नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। कोरोना महामारी से बचाव हेतु लगाई जा रही वैक्सीन डोज के प्रति भ्रमित करते कोटेदार का वीडियो हुआ वायरल। जनपद मुख्यालय से कुछ ही दूरी पर स्थित बमहोरी गांव के कोटेदार सहित ग्रामीणों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वैक्सीन न लगवाने की बात करते नजर आ रहे ग्रामीण हैं। कोटेदार नत्थू अहिरवार द्वारा बनाया गया और किया गया वीडियो वायरल है। प्राप्त जानकारी के अनुसार व्हाट्सएप ग्रुपों सहित सोशल साइटों पर वायरल किया जा रहा है। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के आदेशों की धज्जियां उड़ाई गई हैं। ग्रामीण क्षेत्र में प्रधान सहित कोटेदारों को कोरोना के प्रति जागरूक करने की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन वीडियो देखकर समझ सकते हैं कि जागरूक किया जा रहा है या फिर भ्रमित किया जा रहा है। एक समुदाय के लोग को इकट्ठा कर महामारी से बचाव हेतु लगने वाली वैक्सीन के प्रति भ्रमित किया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार ने भ्रमित करने वाले पर कठोर कार्रवाई करने का आदेश दिया था। वीडियो वायरल के बावजूद अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। सोशल साइटों पर वीडियो वायरल हो रहा है। पूरा मामला थाना चाकलौन अंतर्गत बमहोरी गांव का बताया गया है। आइए आपको दिखाते हैं पूरा वीडियो। भाई लोग, सब लोग इंजेक्शन लगवाओ। नहीं लगवाओ, राशन नहीं मिलेगा। नहीं सरकार के लिए राशन नहीं देगा। कई आदमी मर गए इंजेक्शन से। मर्जी का कर, जबरदस्ती सरकार लगवाएगी। अब हमारी कला में आनी चाहिए भाई, लगावे हमारी कला में कोई लगावे इंजेक्शन नहीं आना। अगर कोटा इलाके को खा जाओगे तो हमारी कला को खा जाना, लेकिन इंजेक्शन नहीं लगवाऊ।